Hello students, so this is your next video and the chapter is chapter 2. Name of the chapter is Nationalism in India. In the very first chapter we discussed what is nationalism. Hota kya hai bataya tha tumhe. Ek baar thoda sa repeat kar deti hu. Nationalism means feeling of oneness, unity wali feeling ki bhai koi cheez jo hame ek saath jod ke rakh rahi hai us cheez ko hum bolenge ki bhai national wali feeling aa rahi hai mujhe. बढ़िया फीलिंग आ रही है. और पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था नेशनलिज्म इन यूरोप. तो हमने पहले यूरोप क्यों पढ़ा उसके बाद इंडिया क्यों पढ़ा, क्योंकि शुरुआत उधर से हुई. फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज़ द फर्स्ट थिंग इन हिस्ट्री, है ना. उसके बाद जर्मनी फलाना ढमकाना बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए. तो बेसिकली शुरुआत जहाँ से हुई पहले उसको ही पढ़ते हैं, ठीक है. अब नेशनलिज्म जो है इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, देशभक्ति. देशभक्ति आई गेस. नहीं वो तो पैट्रियटिज्म होता है. चलो कोई बात नहीं, तुम्हें देख लेना. तो बेसिकली नेशनलिज्म जो है उसका मीनिंग डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकला. डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट पीपल. कैसे, अगर कोई वो है क्या कहते हैं उसे, बाउंडेड लेबर है. बाउंडेड लेबर मतलब बंधुआ मजदूर टाइप. तो उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या होगा कि वो अपनी मर्जी से काम कर सके, है ना. वर्क एट इज ऑन विल. और अगर कोई फार्मर है तो उसके लिए फ्रीडम का मतलब क्या होगा कि उसको जो है टैक्स जो है वो कम पे करना पड़े, है ना. ऐसे ही कुछ होगा. तो नेशनलिज्म जो है लाइक वी स्टडीड इन इकोनॉमिक्स पॉवर्टी और सब कुछ पढ़ाता हमने कि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मीनिंग हो सकता है डेवलपमेंट का, ऐसे ही नेशनलिज्म का मतलब जो है वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है. तो बेसिकली हुआ क्या था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुआ था हमारा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी जो नेशनलिज्म वाली फीलिंग जो है ना वो एकदम से कैसे आई, भाई जो ये ब्रिटिशर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पर 1605 में आ चुकी थी, है ना. लेकिन ऐसा क्या हुआ कि हमें इंडिपेंडेंस के लिए 1857 के बाद ही पता चला कि भाई हमें कुछ करना चाहिए. उससे पहले क्या हो गया था, तो चीज़ें जो है क्या कहते हैं इंडिया में जब काम जब होता है जब पानी सर के ऊपर चला जाता है, तो ऐसे ही कुछ हमारे साथ हुआ था. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी कह सकते हैं हम इसको, इस टाइम क्या हुआ जो विलेजेस थे, अब हमारे यहाँ गांव के लोग हैं छाछ वाछ पी के मस्त एकदम हो रहे थे, तो उनको क्या बोला कि तुम मिलिट्री सप्लाई करो, ठीक है. और वो भी ज़बरदस्ती, वॉलेंटियरली नहीं कि भाई हाँ चलो कोई बात नहीं तुम कर दो कि चलो हम इनकी तरफ से लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं. और दूसरी चीज़ जो इन्होंने लोन्स लिए थे, ब्रिटिशर्स ने जो लोन वगैरह लिए थे, तो उससे क्या हुआ हमारे यहाँ के इन्होंने टैक्स वगैरह इंक्रीज कर दिए, हमारे यहाँ के टैक्स इंक्रीज कर दिए. दूसरी बात, कहीं भी तुम्हें कहीं अभी तक कुछ भी याद है ना, जब भी कोई मुसीबत आई है सबसे पहले क्या होता है, क्रॉप्स फेल हो जाती हैं भाई, खेती ख़त्म हो जाती है. कुछ भी याद कर लो सबसे पहले क्या होगा, खेती उजड़ गई वहाँ की, ठीक है. और क्या हुआ, और इनकम टैक्स इन्होंने शुरू कर दिया. इनकम टैक्स उससे पहले नहीं लिया जाता था, यहाँ क्या किया इन्होंने इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया. मतलब तरीके ढूंढ रहे थे कि भाई पैसे कैसे लिए जाए पब्लिक से. फिर और क्या किया इन्होंने, और फेमाइन भी आ गया था. फेमाइन के साथ साथ एक पैंडमिक कह दो या इन्फ्लुएंजा कह दो, कोई एक डिजीज़ आई थी जो बहुत बड़े स्केल पर आई थी. तो और एक चीज़ और हुई, फूड की शॉर्टेज हो गई. भाई पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है और खाना हम पे है नहीं, क्रॉप्स फेल हो गई. तो ये सारी प्रॉब्लम्स आई और सॉल्यूशन कहीं से कुछ दिख ही नहीं रहा था, है ना. भाई ब्रिटिशर्स हैं उन्हें हमारी क्या पड़ी है कि हमें खाने को नहीं मिल रहा. तो इसीलिए एक नया सॉल्यूशन के तौर पे जो चीज़ आई उस सॉल्यूशन को बोला गया सत्याग्रह, ठीक है. अब सत्याग्रह की बात देखते हैं. सत्याग्रह जो है, देखो हिंदी में ही समझो इसको, सत्य और आग्रह, संधि विच्छेद है ना हिंदी का, इतना तो आता होगा तुम्हें. मुझे ही आता है तुम्हें तो आता ही होगा सर.
आग्रह मीन्स रिक्वेस्ट, नमत पे, एंड सत्य इज ट्रुथ, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट किसका था? प्यारे प्यारे गांधी जी, ठीक है। गांधी इंडिया कब आए? 1915 में। उससे पहले वो साउथ अफ्रीका थे, साउथ अफ्रीका में भी वो बेचारे काले और सफ़ेद वाली जंग लड़ के आ रहे थे, और उस सिस्टम को क्या कहते थे? अपार्टहाइड। बढ़िया, ठीक है। नेल्सन मंडेला जी जो थे उन्होंने इस पर काम भी किया था, आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू पीपल। महात्मा गांधी जो है 1915 में यहाँ पर आ गए, इन्होंने देखा भाई बहुत तगड़ी सिचुएशन ख़राब चल रही है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ही वॉज अ जेंटलमैन, बहुत ही समझदार तरीके से, मतलब दिमागदार आदमी था ये, हमारी तरह नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो क्या कहते हैं एक सर्वे टाइप ऑफ चीज़ की, कि भाई पहले देखूँ तो सही बेसिकली प्रॉब्लम है क्या। फिर इन्होंने ये सोचा और ये कंक्लूड किया कि जो नॉन वायलेंस है, नॉन वायलेंस जो है, वायलेंस अगर हम नहीं करेंगे, नॉन वायलेंस से क्या होगा, जो लोग ऑपरेसर्स हैं, जो मतलब आपको दबा रहे हैं, कौन दबा रहे हैं? ब्रिटिशर्स, प्लस जितने भी मतलब जितने भी अपोजिट वाले लोग हैं ना, जो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, वो लोग भी दब जाते हैं अगर हम अपने रास्ते पर सही हैं। इन्हें ये चीज़ लगी, और ये चीज़ हमारे बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं, दादा दादी जो होते हैं ना, माजी बब्बा, उनको बहुत लगती है कि आप कोई बात नहीं, आप कुछ मत कहो, उसने कह दिया कोई बात नहीं। तो इनका भी वही यही फॉर्मूला था कि जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं ना, जो हमें दबाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ जाते हैं अगर हम स्ट्रांग खड़े रहें। और ये इन्होंने अपनी बुक में भी लिखा है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, हिंद स्वराज जो बुक है, इट इज़ रिटन बाय गांधी जी, ठीक है, इट हैज़ टू बी रिमेम्बर्ड, बोर्ड का क्वेश्चन है। अच्छा, 1915 में ये आए, जैसे ही इन्होंने यहाँ पर आकर भाई अपना क्या कहते हैं दौरा शुरू किया, इसको मैं रख देती हूँ, तो 1916 में आते ही सबसे पहले ये पहुँचे थे तब तक चंपारण, चंपारण इज इन बिहार, चंपारण ये पहुँचे थे, वहाँ पर पीजेंट्स जो हैं वो प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट जो है रिवोल्ट उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस चीज़ को भी याद रखना भाई, 1915 में तो गांधी जी पहुँच ही रहे हैं, फ्लाइट लैंड हुई है उनकी, 1916 में क्या हुआ, चंपारण बिहार पीजेंट्स का प्लांटेशन वालों से जो मतलब क्या कहते हैं उसको, अगेंस्ट वाली चीज़ें जो चल रही हैं उस सब का इन्होंने देखा कि भाई अच्छा ऐसे कर लो, पीजेंट्स का इन्होंने मूवमेंट शुरू करा दिया। तो दिस इज़ द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट मूवमेंट जो गांधी जी ने इंडिया में आके किया, ठीक है। अब कोई सा ये मत कहने लग जाना कि गांधी की बात यहाँ पे आते क्यों मान ली, क्योंकि भाई वो दूसरे कंट्री में जाके और वहाँ उन्हें सबक सिखा के आ रहे हैं, तो भाई कोई बातचीत तो होगी लड़के में। फिर दूसरा जो उन्होंने सेकेंड मूवमेंट जो मतलब ऐसे ही दौरा कर रहे थे, वो लोगों को समझाते हुए चले गए, लोगों ने क्या किया, मूवमेंट शुरू कर दिया। 1917 में खेड़ा, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ इन गुजरात, ठीक है। और यहाँ पर जो लोग लड़ रहे थे वो किस लिए लड़ रहे थे, रेवेन्यू के लिए, कि भाई ये क्या करते हैं हमसे बहुत रेवेन्यू लेते हैं, बहुत टैक्स लेते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है, इतना थोड़ी नाम लाला जी हो गए हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू रिलैक्सेशन के लिए यहाँ पर इन्होंने चाहा कि भाई हमारे जो वर्कर्स हैं या फिर जो पब्लिक है, उन्होंने बोला कि भाई रेवेन्यू जो है ना वो कम लो हमसे। अच्छा, गांधी जी ने पूछा कि अब तक भी तो दे रहे थे, तो उस टाइम क्या हुआ, एक तो इनकी क्रॉप्स फेल हो गई, सबसे पहले आफत यही आती है भाई, हमारी ना खेती ख़राब हो गई है, क्रॉप्स फेल होने के साथ साथ और क्या हुआ, प्लेग, अगर तुमने सुना हो प्लेग फैल गया था एक 1917 के आसपास, वर्ल्ड वॉर टाइम पे, यस, ठीक है। अच्छा, 1918 में अहमदाबाद में हुआ था, अब अहमदाबाद में पूछ लेना जाना कहाँ है ये, अहमदाबाद में अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स के अगेंस्ट हुआ था। अच्छा, ये सारे अमीर आदमियों के अगेंस्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? देखो, हम गरीब हैं तो हमारा ही तो शोषण होगा, हम किसका शोषण कर देंगे, हम किसको सप्रेस कर देंगे, किसके चाटे मार देंगे, हमारे ही लगेंगे, है ना। 1919 में
दिस इज द फोर्थ रेवोल्यूशन, ये सॉरी क्या कहते हैं उसको, तो फर्स्ट वॉज 1916 का, फिर 1917, फिर 1918, देन 1919, ठीक है। 1919 वाला इट वॉज अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट ए अगेंस्ट था ये। अब सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट वाला जो माना जाता है वो इसको माना जाता है, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो हुआ था, ठीक है। नाउ विल डिस्कस दिस, तो 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने बातचीत शुरू हुई थी, ठीक है। अब रॉलेट एक्ट क्या है भैया, रॉलेट एक्ट जो है इसको दूसरा नाम दिया जाता है ब्लैक एक्ट, काली एक्ट है ये। ये काली एक्ट कैसे है भाई, इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि एक लेगिस्लेशन या फिर बिल कह सकते हैं हम, पास किया था इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली ने, सॉरी काउंसिल, इन्होंने एक ये एक्ट पास किया था, ठीक है। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई, और ये एक्ट कब आया था, फरवरी 1919 में। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये था कि पुलिस जो है वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, ठीक है। हमारे पास पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी है कि आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, दिस वॉज द थिंग, विदाउट एनी रीज़न। आपको रीज़न नहीं बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आपको अरेस्ट कर लिया गया और 2 साल तक आपकी कोर्ट में कोई पेशी नहीं हो रही है। बात समझ रहे हो कितनी गहराई वाली बात है। ये यहाँ से पास हुआ, इंडियंस ने इसको सबको सबने अपोज किया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, पागल हो गया, क्यों अरेस्ट कर लोगे तुम हमें, ठीक है। और ये इन्होंने क्यों किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि भाई गांधी आ चुका था, 1916 से शुरुआत कर दी थी, हर साल रिवोल्यूशन लॉन्च कर रहा है वो, स्ट्रगल शुरू कर चुका है, तो कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा वो आदमी। तो इसीलिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भाई सबसे पहले तो इनका अरेस्ट शुरू करो, इनकी पिटाई करेंगे ना पुलिस वाले तो सही हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसका एक और नाम है रॉलेट एक्ट का, और वो नाम क्या है, अनार्की एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ज़्यादातर इसको ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अदरवाइज रॉलेट एक्ट या फिर अनार्की एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, ठीक है। और इससे इस मतलब ये जो एक्ट है इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज चल रही थी उनको कहीं ना कहीं रोक दिया गया। भाई अगर तुम्हें ये पता चले कि तुम्हें, जैसे अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन में तुम्हें पहले ये पता था कि बाहर निकलते पुलिस पीट रही है, तो हम सोच समझ के बाहर निकल रहे थे ना, तो वही वाली सिचुएशन यहाँ हो गई, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कुछ हद तक कम हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, अब यहाँ शुरू होती है कहानी, थोड़ी सी कहानी शुरू हो रही है। और इस कहानी में क्या है, 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हो गई, हड़ताल, ठीक है, हड़ताल शुरू हो गई। उस हड़ताल में क्या हुआ, मार्केट बंद कर दी, रैली वैली होने लग गई, है ना। और लोकल लीडर्स जो हैं, लोकल लीडर्स मतलब जो अपने अमृतसर हो गया, मतलब जो छोटे छोटे लीडर्स होते हैं, नेशनल लीडर तो गांधी जी थे और बाकी कांग्रेस वाले थे, लोकल लीडर्स जो छोटे छोटे लीडर्स अपने एरिया में, मतलब ऐसे दबदबा जिनका था कि भाई हाँ जैसे ही कह देंगे वैसे ही हो जाएगा, लोकल लीडर जो अमृतसर के थे उनको उठा लिया गया, उठा के कहाँ ले गए, जेल में ही ले गए। और गांधी जी को बोला कि भैया आप दिल्ली नहीं आओगे, दिल्ली नहीं पहुँचोगे तुम, ठीक है। ही वॉज डी बैरड फ्रॉम कमिंग टू दिल्ली, ठीक है। अच्छा, 8 अप्रैल को इन्होंने हड़ताल शुरू की, पीसफुली हड़ताल कर रहे थे, वही गांधी जी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था कि भाई आराम से हम रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में ही, अमृतसर का चल रहा है पूरा किस्सा, फायर शुरू कर दी और
मार्टियल लॉ जो है उसको इम्पोज कर दिया, और जनरल डायर, जनरल डायर तुमने सुना होगा बचपन से ही, कहीं ना कहीं जनरल डायर ने आके कमान संभाल ली। और जनरल डायर ने फिर क्या किया, 13 अप्रैल को, ये तुम सबको पता है, जलियांवाला बाग, ये क्या है, एक छोटा बाग था और इस बाग में सिर्फ एक एंट्रेंस थी, ठीक है, छोटी एंट्रेंस थी, और यहाँ पे पब्लिक कुछ तो प्रोटेस्ट के उससे आ रही थी कि भाई हम प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कुछ क्या है कि भाई 13 तारीख को क्या होता है, बैसाखी होती है, बैसाखी, ठीक है, तो कुछ लोग अपना फेस्टिवल मनाने आ रहे थे। तो यहाँ क्या किया इसने, जनरल डायर ने यहाँ पे अपनी पुलिस फैला दी, और एग्जिट गेट तो कोई था ही नहीं, यही एक गेट है, तो इस गेट पे क्या किया, अपने आप यहाँ खड़ा हो गया और पुलिस वालों से को बोला कि फायर। फायर जब शुरू किया तो जो ये वॉल्स हैं, छोटी वॉल्स थी, कुछ लोग यहाँ ऐसे चढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो वो वहाँ गिर गिर के मर गए, गोली एक में लगी दूसरे में भी चली गई, इस तरीके के केसेस होने लगे, कुछ कुएं में कूद गए कि भाई बच जाएंगे, लेकिन उसमें कुएं में भी उन्होंने गोलियां चला दी, तो इस तरीके का केस हो गया जो तुम जानते हो जलियांवाला मसैकरे के नाम से। मसैकरे का मतलब होता है जहां बहुत सारी पब्लिक एक साथ मरती है, तो बहुत सारी पब्लिक यहां पर एक साथ मरी थी, किसकी वजह से, इट वॉज बिकॉज ऑफ जनरल डायर, ठीक है। अच्छा, फिर जनरल डायर को पूछा गया बाद में, मतलब ऐसे होता है ना कि भाई तुमने ये क्यों किया, तो किया उसने कुछ भी क्यों, और लास्ट में क्या बोल दिया कि भाई मैंने किया है एक मोरल इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए कि यहाँ की पब्लिक जो है कुछ सीख लेगी, ऐसे थोड़ी ना प्रोटेस्ट करते हैं, अब तक नहीं तुम आराम से रह रहे थे, रह जाओ आराम से, क्या हो रहा है, तो इस तरीके का कुछ सीन था, ठीक है, ओके। फिर जो सिविल ये जो 6 अप्रैल से शुरू हुआ था, इट वॉज अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो इस मूवमेंट को वापस बुला लिया गया, ऑब्वियसली गांधी जी को वायलेंस पसंद नहीं है, इतना तगड़ा वायलेंस हो गया, गांधी जी को लगा कि भाई मेरी वजह से पब्लिक मर रही है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरा मूवमेंट जो है वापस बुला लिया, और उसके बाद क्या किया, थोड़ी सी इन्होंने हिस्ट्री जानने की कोशिश की, मतलब ये सोचा कि भाई अब क्या करूँ मैं, तो इन्होंने ये सोचा कि जो ओटोमन एम्पायर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो हारी है उसमें, उससे क्या हुआ, एक मतलब वहाँ से ओरिजिन वो है, वहाँ से क्या हुआ, एक खलीफा करके कुछ पोस्ट निकली है, और उसमें उससे क्या हुआ, खलीफा जो है उनकी बात सब मुस्लिम्स मानते हैं, तो गांधी जी को ये लगा कि अगर हमारे कंट्री के हिंदू और मुस्लिम एक साथ हो जाएं तो मज़ा आ जाएगा, एक दिन में इनको भगा देंगे हम ब्रिटिशर्स को यहाँ से, है ना। तो यहाँ से क्या हुआ, खलीफा के नाम के ऊपर इन्होंने यहाँ से शुरू किया खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट जो है उसको शुरू किया, और उसको शुरू करने के लिए यहाँ पर दो भाई थे, एक तो थे मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली, मतलब ऐसा होता है ना कि एक, मतलब इनकी बात जो थी ना वो पूरी कौम मानती थी, ऐसा कुछ सिस्टम था। तो लास्ट में क्या हुआ, गांधी जी ने और मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने क्या बोला कि चलो ठीक है हम साथ में लड़ते हैं, और उस लड़ने के लिए मतलब साथ में हम काम करेंगे, और एक पूरी पब्लिक मास एजिटेशन बुला देंगे, पूरी पब्लिक जब एक साथ होगी तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो पहले घबरा जाएंगे हमारे इतने सारे लोग देख के, और शायद हम इंडिपेंडेंस और स्वतंत्रता हमें थोड़ी सी जल्दी मिल जाए, ठीक है। अच्छा, तो ये जो बातचीत हुई ये कहाँ हुई, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये हुई थी हमारी कोलकाता सेशन, कब, सितंबर 1920 में कोलकाता सेशन में हिंदू मुस्लिम एक हुए थे, और गांधी जी, मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक साथ यहाँ पर बोला था कि भाई चलो हम साथ साथ हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, ओके। अब नेक्स्ट जो है उसमें कि भाई इन्होंने ये जो अच्छा हिंद स्वराज जो है, इट वॉज रिटन इन 1909, द बुक बाय गांधी जी, इट वॉज रिटन इन 1909, ठीक है, और इस बुक में इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया सी लाइन लिखी थी, और वो ये थी कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो यहाँ इसीलिए सर्वाइव कर पाए क्योंकि हमने उन्हें कोऑपरेट किया, वी कोऑपरेटेड,
और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इफ वी नॉन कॉपरेट। तो यहाँ से इन्होंने ये टर्म निकाला था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी का प्लान ये था कि पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ना टाइटल सरेंडर कर देंगे कि जो भी इन्होंने हमें टाइटल्स दे रखे हैं इंडियंस को और जो ये हमसे काम करा रहे हैं उस सबको ख़त्म कर देंगे। सेकंड चीज़ इन्होंने ये बोली कि हम बॉयकॉट करेंगे। किस चीज़ का बॉयकॉट, मतलब एकदम से अलग कर देना, हटा देना। किस चीज़ को बॉयकॉट करेंगे हम? आर्मी, पुलिस, कोर्ट और फॉरेन गुड्स। नहीं, इन सबको क्या करेंगे, बॉयकॉट कर देंगे कि हम इनकी ना, हम अगर इनमें हैं भी तो हम जाएंगे नहीं, जॉब पे नहीं जाएंगे हम। ख़त्म करो, किससे काम कराओगे? ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया 1920 में चल रहा था ना वो कोलकाता सेशन, सितंबर 1920 में चल रहा था। तो 1920 में मोहम्मद अली और शौकत अली, इसने क्या किया, इन्होंने क्या एक टूर किया भाई। टूर किस चीज़ को किया? एक पॉपुलर सपोर्ट के लिए, कि भाई देख तो ले मार्केट में उतर के कि हमारे पीछे कोई है भी, हम वैसे खुश हो रहे हैं। तो एक पॉपुलर सपोर्ट के लिए इन्होंने मूवमेंट के लिए एक टूर शुरू किया। ठीक है, अच्छा, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट सब टेक्स्ट। कुछ क्लियर हुई बात, पता चला कुछ क्या क्या हुआ? यस मैम। शुक्रिया। तो यहाँ पे देखो, लुक एट द बुक वंस, नेशनलिज्म इन इंडिया, दिस इज नॉट माई बुक, ये पुरानी बुक है, तो ये मत सोचना क्या क्या लिख रखा है। ठीक है, और इंडिया जो है लाइक वियतनाम, इंडिया का क्या था, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। नाउ टेल मी व्हाट इज अ कॉलोनी, कॉलोनियलिज्म, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, राइट इट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, इंडिया जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के अकॉर्डिंग ही नेशनलिज्म वाली फीलिंग हमारे पास आई थी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मतलब इफ़ेक्ट्स क्या रहे, फिर खिलाफत मूवमेंट, फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सब कुछ हमने थोड़ा थोड़ा तुम्हें दिखाया इस बारे में। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, सत्याग्रह के बारे में बताया। 1915 में गांधी जी आ गए थे, 1916 में उन्होंने शुरू कर दिए थे अपने मूवमेंट्स, 1919 तक रॉलेट एक्ट आ गई थी। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ था कि भाई किसी को पकड़ लेंगे बिना किसी बात के। यहाँ से शुरू हुआ था आपका सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट 6 अप्रैल से, लेकिन 13 अप्रैल में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग में मसैकरे हो गया था। उसके बाद क्या बोल दिया कि भाई गांधी जी ने बोला बस मैं नहीं खेलता और, तुम चिटिंग कर रहे हो, तुमने इतनी सारी पब्लिक मार दी हमारी। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि रॉलेट एक्ट क्या है। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे हम रॉलेट एक्ट क्या है। फिर दूसरी चीज़, दूसरा क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि गांधी जी ने क्या किया, 6 अप्रैल को गांधी जी ने क्या किया। तो इसका आंसर भी तुम लोगों ने देना पड़ेगा। फिर और नॉन कॉपरेशन की, नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है। फिर खलीफा वाली चीज़ है कि जब सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को वापस बुला लिया गया, कॉल्ड ऑफ कर दिया गया, तो गांधी जी का नेक्स्ट प्लान क्या था। तो नेक्स्ट प्लान वॉज खिलाफत मूवमेंट, और उसमें किस किस की हेल्प चाहिए थी, मोहम्मद अली और शौकत अली, खिलाफत मूवमेंट इसीलिए बोला गया था उसको। ठीक है, फिर 1909 में जो हिंद स्वराज वाली बात मैंने तुम्हें बताई। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है इसमें क्या क्या, देखो ये रहा, बॉयकॉट सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स एंड फॉरेन गुड, सब कुछ बॉयकॉट कर दो, कुछ नहीं चाहिए हमें ब्रिटिशर्स का। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा मतलब कांग्रेस की मीटिंग्स वगैरह बुलाई गई, और दिसंबर 1920 में एक बोल दिया गया कि नॉन कॉपरेशन प्रोग्राम जो है अब हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, अब जो हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे वो करेंगे अगली वीडियो में। ठीक है, टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम, बी हैप्पी। ओके, सब्सक्राइबर्स बढ़वा दो।